बलौदा बाजार की घटना को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत गर्माती जा रही है। मंगलवार को प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। जगदलपुर के सिरासार चौक में आयोजित धरना प्रदर्शन में पीसीसी के वर्तमान और पूर्व अध्यक्षों ने मोर्चा संभाला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी अध्यक्ष दीपक ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से की। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर छत्तीसगढ़ को भी जलाने का प्रयास किया जा रहा है। दीपक बैज ने सतनामी समाज के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने के मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की है। इसके साथ ही दीपक बैज ने प्रदेश की साय सरकार कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने में विफल हुई है। पीसीसी अध्यक्ष ने साय सरकार से इस्तीफे की मांग भी की। जगदलपुर से एसडी राज की रिपोर्ट। बलौदा बाजार जिले में सतनामी समाज के आह्वान पर कलेक्टेड घेराव का आयोजन रखा गया था, जिसमें कुछ उपद्रवियों द्वारा उस धरना प्रदर्शन के आड़ में कलेक्टेड और एसपी ऑफिस को पथराव और आगजनी का स्थिति लाए, जिससे पूरे कलेक्टर और एसपी ऑफिस जल गया और पूरे प्रदेश में अशांत माहौल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखेंगे पिछले एक साल से अधिक हो गया, मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ को भी मणिपुर की तरह जलाने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म की आड़ में राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसलिए लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, लगातार सरकार के नियंत्रण में कानून व्यवस्थाएं नहीं है, इनके खिलाफ में आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया है, जो कि आज हमारे जगदलपुर में माननीय मोहन मरकाम जी पूर्व मंत्री के इस कार्यक्रम के प्रभारी है और साथ ही हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे कि सतनामी समाज के द्वारा धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने का प्रयास जो किया गया है उसको सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की है, सरकार उसको स्वीकार करे और सीबीआई जांच करने की घोषणा करे। और दूसरी चीज, लगातार बिगड़ते कानून व्यवस्थाओं को सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए ये विष्णुदेव साय सरकार तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।